इधर संगठन की मजबूती और उसके विस्तार पर फोकस करते हुए आजसू पार्टी का राज्य के सभी जिलों में गुरुवार से जिला सम्मेलन शुरू हुआ। पहले दिन रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पाकुड़, गढ़वा, साहिबगंज और सिमडेगा में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। रांची में खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। तो आखिर आजसू किस तरीके से इन कार्यक्रमों को कर रही है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आयोजित आजसू पार्टी के जिला सम्मेलन में राज्य की वर्तमान स्थिति के साथ साथ संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जातीय जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, स्थानीय नीति, जेपीएससी, पंचायत चुनाव सहित संसाधनों का दोहन जैसे विषय पर मंथन कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगातार छात्रों का अखबारों के माध्यम से मैंने लगातार देखा है कि जेपीएससी को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। लोग संपुष्टि के लिए अलग अलग तरह के बयान भी भटकाने के लिए दे रहे हैं। अभी सबसे मैंने कहा कोई लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता। अगर कहीं पर भी धुआं है का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है और इसको खुद से पहले स्पष्ट करना चाहिए, और ना हो तो मेरी आग्रह है कि राज्य सरकार से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जाँच होना चाहिए। सुदेश महतो ने कहा कि बड़ी लड़ाई से पहले अनुशासित फौज का तैयार होना जरूरी है। 2024 के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपनी सेना को वोकल होने का मंत्र दिया। आज से जिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ पार्टी का, जो लगातार पिछले 6 महीने से पार्टी का निचले इकाइयों का पुनर्गठन चल रहा है, आज उसका एक स्वरूप आपने देखा है। कई नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। अब इन्हें पार्टी के अंदर के जो प्रस्वर्शन कार्यक्रम है उनसे पूरा कराना, फिर इनको पूरे परिवेश की समझ होना, राजनीतिक समझ होना, और दक्षता के साथ ये एक सार्वजनिक जीवन में आगे आएंगे, पॉलिटिकल जीवन में आगे आएंगे। सम्मेलन में जिला के सभी प्रखंड समितियों के पदाधिकारी, पूर्व के सभी सक्रिय पदाधिकारी, सभी पंचायतों के पदाधिकारी, आजसू पार्टी अनुषंगी इकाई के सभी पदाधिकारी, आजसू पार्टी के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।